लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में बारा जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ये बंगला पासवान को 31 साल पहले आवंटित किया गया था। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास और आवास मंत्रालय के अधीन संपदा निदेशालय ने 14 जुलाई को चिराग पासवान को इस बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा था, जबकि अपनी मां के साथ रह रहे लोकसभा सांसद चिराग ने अपने पिता की बरसी तक इस बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि ये बंगला लुटियन दिल्ली में बने सरकारी बंगलों में सबसे बड़े आवासों में से एक है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता भी रहा है। इसे रामविलास पासवान पार्टी कार्यालय के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि अब LJP का नया पता कौन सा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इससे पहले बारा जनपद वाला सरकारी बंगला रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अलॉट होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे बिहार की सियासत में गलत संदेश जाता। वैसे LJP को लेकर चिराग और उनके चाचा पशुपति में खींचतान चल रही है। एक तरफ सांसद पशुपति कुमार पारस ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रखा है, तो दूसरी तरफ चिराग आशीर्वाद यात्रा के सहारे बिहार में अपना जनाधार बचाने में जुटे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद शरद यादव के आधिकारिक बंगले को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस को आवंटित किया गया है। शरद यादव 7 तुगलक रोड पर स्थित बंगले में रह रहे थे। आपको बताते चलें कि बिहार के सबसे बड़े दलित नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। वो 74 साल के थे। वो अपने राजनीतिक सफर में केंद्र की राजनीति में हमेशा बने रहे। यही कारण है कि उन्होंने देश के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। पहली बार उन्होंने 1969 में विधानसभा चुनाव जीता था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि 1997 में वो पहली बार लोकसभा सांसद बने और वो 9 बार चुनाव जीतने में भी सफल रहे थे।